कि आपको पता है कि इतिहास में एक ऐसा टेस्ट मैच हुआ था जो 12 दिनों तक चला था। एक्चुअली इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, बट आज आप जान लो। दरअसल ये बात है 1939 की, जब साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच चल रही थी। तो दोनों टीम्स ने यह डिसीजन लिया कि फाइनल मैच टाइमलेस होगा। उसके बाद 3 मार्च 1939 को ये मैच शुरू हुआ और 14 मार्च तक चला, मींस 12 दिन तक। और उसके बाद इस मैच को खत्म करना पड़ा। एक्चुअली इस मैच को एंड करने का कोई प्लान नहीं था, पर मजबूरन करना पड़ा। एक्चुअली इंग्लैंड टीम 17 मार्च को अपने घर वापसी के टिकट करवा लिए थे और तब उनके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो टिकट कैंसिल करके मैच खेले और फिर दोबारा टिकट कराकर अपने घर जाए। इसलिए 14 मार्च को मैच को बंद कर दिया गया, मैच को ड्रॉ करके। और इस मैच के दौरान टोटल 1981 रन बने थे और 5447 बॉल्स फेंके गए थे। इस मैच को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लॉन्गेस्ट मैच एवर प्लेड इन हिस्ट्री के नाम से दर्ज किया गया है। वैसे क्या आप इस अजीब से खेले गए मैच के बारे में जानते थे? नीचे कमेंट करके बताना।